गांजा ले जा रहे तीन तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। तस्करों से करीब 10 किलो 342 ग्राम का गांजा जब्त किया है। गिरफ्तार तस्कर मोहित दत्त, दीपक ओम प्रकाश और विकास राम भरोसा गांव सेवह जिला पानीपत हरियाणा निवासी है। आशुतोष पांडे वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नागपुर के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार मध्य रेल नागपुर मंडल के आरपीएफ आरक्षक नवीन कुमार व राजू मीन को चेकिंग ड्यूटी में तैनात किया गया था। इस दौरान नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन संख्या 20805 विशाखापट्टनम नई दिल्ली एक्सप्रेस पहुंची। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने ट्रेन के एक S1 कोच सीट नंबर 65, 68, 71 पर बैठे तीनों व्यक्तियों से संदेह के आधार पर पूछताछ और उनके बैग की तलाशी लेने पर गांजा मिला। तीनों को रेलवे थाने ले जाया गया। तस्करों के दो बैग से 10 किलो 342 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। गांजे की कीमत लगभग 1,55,000 रुपए बताई जा रही है। तस्करों को लोहमार्ग पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कल के डेट में ट्रेन नंबर 20805 जो विशाखापट्टनम से नई दिल्ली आती है, तो उसमें जो अवैध जो सामानों की तस्करी होती है, जिसमें हमारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है इस महीने ऑपरेशन नार्कोस के द्वारा DGRPF के द्वारा, उसी विषय में हमने एक रिकवरी की, जिसमें S1 डब्बे से तीन यात्रियों को हमने अरेस्ट किया है। उनके पास लगभग 10.5 किलो गांजा था, जिसकी कुल कीमत लगभग 15 लाख रुपये आंकी गई है। ये तीनों जो ड्रग पेडलर्स थे, ये हरियाणा के रहने वाले थे और विशाखापट्टनम से ये गांजा लेके नई दिल्ली की तरफ जा रहे थे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।